खबर पीलीभीत जनपद से, जहां गांधी स्टेडियम में आज यातायात जागरूकता माह शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी ARTO, यातायात निरीक्षक सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि यातायात जागरूकता के उपलक्ष्य में किया जाने वाला आयोजन नहीं, बल्कि हमें यातायात के नियमों को अपने आम जीवन में अमल में लाने की प्रेरणा देने वाला अभियान है। अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि दोपहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग, फोर व्हीलर गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, सारे कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा प्रदूषण सर्टिफिकेट इत्यादि साथ में रखें। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें, ईयरफोन का उपयोग न करें। उक्त कार्यक्रम के उपलक्ष में जिलाधिकारी ने हेलमेट का वितरण भी किए। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक 15 जून तक इसका लुत्फ उठा सकेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्यालय के पास बने प्रवेश द्वार पर DM, SP एवं BJP विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को रवाना किया, तो वहीं वन मंत्री ने लखनऊ से ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर पहले दिन की कई सफारी, जिप्सी गाड़ियां स्कूली बच्चों और पर्यटकों को लेकर भ्रमण के लिए रवाना हुई। जंगल में बने चूका पर्यटक स्पॉट पर थारू हट, बैंबू हट व ट्वीट हट में ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बुक कराकर पर्यटक रात्र विश्राम कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि पीलीभीत में 71,000 हेक्टेयर में फैला एक घना जंगल है, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया है। टाइगर रिजर्व में 60 से 65 टाइगर के साथ ही तमाम वन्य जीव भी मौजूद है, जो पर्यटकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। यह टाइगर रिजर्व हर साल 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जून तक पर्यटकों के लिए खोला जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले सीजन में टाइगर रिजर्व 15 जून से पहले बंद हो गया था, इसलिए इस बार 15 दिन पहले टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस बार टाइगर रिजर्व प्रशासन ने 15 पॉइंट तय किए हैं, जहां से पर्यटक जंगली जानवर और प्रकृति का लुत्फ उठा सकेंगे। जंगल में ही चुका पर्यटक स्थल है, जिसे मिनी गोवा कहा जाता है। यहां 22 किलोमीटर एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम है, जो लोगों को समुद्र का एहसास कराता है। पीलीभीत जनपद से हिकमत शाह की रिपोर्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र की आज शुरुआत हो गई है। माननीय मंत्री जी द्वारा लखनऊ से वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ करा गया। यहाँ पे भी शुभारंभ के मौके पे सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी अफसर मौजूद रहे। इस बार इस सत्र में हम लोग टाइगर के साथ साथ जो इस क्षेत्र में अन्य भी बिंदु हैं, आकर्षण के बिंदु हैं, 15 ऐसे बिंदु चिन्हित करे गए हैं। उन 15 पॉइंट्स को सैलानियों के लिए खोला गया है, जैसे क्रोकोडाइल पॉइंट हो गया, वाटर पॉइंट हो गया, सनसेट सनराइज पॉइंट हो गया, सूर्यताल हो गया। इस तरह से कई पॉइंट आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हित करके पर्यटकों को लाया जा रहा है। गाड़ियों की विशेष व्यवस्था अन्य क्षेत्रों से इस बार निशुल्क करी गई है। हर शनिवार और रविवार आपको निशुल्क गाड़ियां पूरनपुर से, असम चौराहा से है, सुबह 10 बजे मिल सकेंगी। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी इससे जुड़े, स्कूली बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ, उनके परिवारों के साथ, अन्य पर्यटकों को भी कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए लाने की व्यवस्था करी गई है। बुकिंग को बेहतर करा जा रहा है, पब्लिसिटी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जितने भी हमारे फॉरेस्ट गाइड हैं, उनकी विशेष ट्रेनिंग कराई गई है कि उनका व्यवहार अच्छा रहे और वो सैलानियों को एक अच्छा अनुभव दे सके।